बहुत बढ़िया। तो मतलब सरकार ने ये काम किया है। पहले क्या था, अगर हम कहीं पे भी जाते थे तो आड़ती के पास डालते थे, फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए किसी दूसरी जगह हमारे को ज़्यादा पैसे मिल रहे थे तो हम वहाँ पे जाके डाल नहीं सकते थे। इस चीज़ की एक पाबंदी थी, जिस तरह की मान लीजिए दिल्ली में है, दिल्ली में ज़्यादा बिक रहा था, लेकिन इस चीज़ की पाबंदी थी कि भाई हरियाणा का जो बंदा है वो दिल्ली के अंदर जाके नहीं डाल सकता था। अब हमारे को पैसा अगर दिल्ली में ज़्यादा मिल रहा है तो हम दिल्ली में जाके डालेंगे, तो हमारा कहो उसमें आमदनी बढ़ी है उसके अंदर। जमींदार को जी कोई नुकसान नहीं होगा जी, सरकार को कांग्रेस तो बिना काम की बात करती है जी, और फसल अच्छी पैदावार देगी गवर्नमेंट तो जी अच्छा है जी। सही है, किसान हित में है, क्योंकि जो ये फसलें थी अब किसान कहीं भी जाके फसल बेच सकता है। पहले लिमिट की मंडियां होती थी, वहां पर फसलें बेची जाती थी, अब तो सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। ठीक है, ये सिर्फ मैं मानता हूँ जो ये आड़ती है बीच में, उन कर भी पक्षिया के ज्यादा तकलीफ हो रही है, जो कि सही मायने में अगर समझाया जाएगा जमींदार को किसान को, तो इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल ये जो सरकार ने किया अच्छा किया है, फायदेमंद होने वाला साबित हो। ये बिल बहुत बढ़िया है, हमारी समझ में बिल्कुल ओके है, क्योंकि वहाँ दलाली ज्यादा है उसका, वो जो है ना उसका लायका और उसका वो निकालते हैं लैब जी, लैब से किसानों को बहुत नुकसान जा रहा है। अच्छा, इसलिए ये बिल जो लाई है सरकार बहुत ही द बेस्ट। अच्छा, तो ये जैसे कांग्रेस वाले या विपक्षी दल कह रहे जी किसान का इसको नुकसान होगा। नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं है किसान को, कोई नुकसान नहीं है, ये फायदा है, और मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये भी है। अच्छा जी, हाँ, इसके बराबर हमें तो कोई आज तक न देखा है, और वो तो परमात्मा जाने आगे क्या होने वाला है।